जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आप सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त देवताओं परमात्मा का समय होता है। इस समय यदि आप शुद्ध मन से कोई प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। आगे वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपकी कोई स्थिति है जब आप कोई संकट में फंसे हुए हैं और उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, या आपकी कोई बहुत जरूरी आवश्यक इच्छा है, कोई मनोकामना है जिसे आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा और ज़रूरत को आप इस विधि से पूरा कर सकते हैं। यह विधि हमारे द्वारा आजमाई विधि है, इसलिए आप इसका अभ्यास करें तभी आपको लाभ होगा। याद रखें, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं रुक सकती। आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान विधि के बारे में बताएंगे। ये ऐसी ध्यान विधि है जो आपको 11 दिनों तक करनी है, और मेरा वादा है कि 11 दिनों में आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी जिसकी कल्पना आप काफ़ी समय से कर रही हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इस ध्यान विधि को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर सुबह 6 तक रहता है। तो दोस्तों, यदि आप 3 से लेकर 6 के बीच में उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझें तो ब्रह्म का अर्थ होता है देव और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। यानी ज्ञान को समझने का जो समय है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय ब्रह्मांड की देव शक्ति वातावरण में विचरण कर रही होती है। अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। यदि इस समय उठकर आप ध्यान करते हैं तो इन ऊर्जाओं से आपका संपर्क स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। सभी धर्मों के जो देवालय हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे और जितने भी पूजा स्थल हैं, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। और यही वो समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियाँ सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु विलुप्त हो जाती है और वातावरण में ऑक्सीजन व्याप्त रहती है। रात को ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल काफ़ी शीतल रहता है। इस समय वातावरण शांत होता है और सोकर उठने के कारण मस्तिष्क की क्रियाएँ बिल्कुल शांत होती हैं। यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई इच्छा मांगते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। पहले से घरों में बिजली नहीं होती थी, तब लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। ध्यान रखो, जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। देखा भी गया है और आपने भी गौर किया होगा कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, जबकि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलें तो हम स्वस्थ रहते हैं, और यदि प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू करते हैं तो हमें शारीरिक तथा मानसिक परेशानियाँ आने लगती हैं। तो यह थी संपूर्ण जानकारी ब्रह्म मुहूर्त की। अब बात करते हैं ध्यान विधि की। सबको मालूम है कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आज हम एक ऐसी ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 11 दिनों तक केवल 10 मिनट भी करते हैं तो इन 11 दिनों में ही आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा, ये मेरा वादा है। यह विधि विशेष रूप से आपकी इच्छा, कोई मनोकामना या आपकी कोई प्रार्थना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। इस विधि में कुछ सावधानी भी रखनी है, जैसे यदि आपको हृदय संबंधी बीमारी है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की समस्या है, वे इस विधि को ना करें, क्योंकि इस विधि में हमें सांस को रोककर रखना पड़ता है। इसलिए हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को ना करें। यह बहुत ही चमत्कारी विधि है और बहुत ही जल्दी अपना परिणाम देती है, क्योंकि इस विधि में अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। आज्ञा चक्र हमारा वह चक्र होता है जो हमारे विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी का स्थान है। यदि हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके कोई प्रार्थना करते हैं या किसी संकल्प को दोहराते हैं तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है, और इसे हम संकल्प चक्र भी कहते हैं, क्योंकि संकल्प पर ध्यान लगाने से हमारे सपने पूरे होते हैं। तो आप इस विधि को कैसे पूरी करें, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले आप अपनी मनोकामना तय करें। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या आपका कोई सपना है जिसे आप पाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आप काफ़ी लंबे समय से परिश्रम करके और पढ़ाई करके जीवन के एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं कि अब आपको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको 11 दिनों तक
इस ध्यान विधि को करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मुँह हाथ धो लें और फ्रेश हो जाएं। इसके बाद आप ध्यान कक्ष या मंदिर में बैठ जाएं। ऐसा स्थान चुनें जहाँ से बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए इस विधि को प्रातःकाल या ब्रह्म मुहूर्त में ही करने का सुझाव दिया गया है। जब आप ध्यानस्थ अवस्था में बैठ जाएंगे तब कमर और गर्दन सीधी रखें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और पहले 2-3 मिनट अपने आप को शांत रखें, स्थिर कर लें। जब आपका मन शांत हो जाए फिर सबसे पहले अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे। आज्ञा चक्र होता है दोनों भौहों के बीच का स्थान जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। अब लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहें। अब एक लंबी गहरी सांस भरें और उसे कुछ देर रोके रहेंगे। इससे आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा। अब इस समय आप अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट का चित्र आज्ञा चक्र पर देखें और उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना या संकल्प करें। अपनी इच्छा को एक लाइन में दोहराएं, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मेरी ये इच्छा पूरी हो। इस लाइन को तब तक दोहराते रहें जब तक आप अपने सांस को रोक कर रख सको। आप इसे 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक रोक सकते हैं। याद रखें, ध्यान आज्ञा चक्र में होना चाहिए और मन की आँखों से अपने इष्ट देव को याद करना है और बार बार अपनी इच्छा को दोहराते रहना है। जब आपको लगे कि अब आप अपने सांस को और अंदर नहीं रोक पाएंगे तो धीरे धीरे से मुंह से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ध्यान रखें कि सांस लेते समय नाक से लेनी है और छोड़ते समय मुंह से बाहर छोड़नी है। ये एक चक्र आपका पूरा हो गया। अब आप 15-20 सेकंड रेस्ट करेंगे और उसी स्थिति में बैठे रहेंगे। फिर दूसरा चक्र शुरू करेंगे, यानी फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोके रहेंगे, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाएंगे, अपने मन में अपने गुरु या इष्ट का चित्र देखेंगे, उसके बाद अपनी प्रार्थना को दोहराएंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक आपने अपनी सांस रोकी हुई है। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते तो मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। यह हो गए 2 चक्र। इसी तरीके से आपको 10 मिनट ये विधि 11 दिनों तक करनी है। आपको पता है ये विधि कैसे काम करती है? जब आप सांस को अंदर रोकते हैं तो आपके शरीर में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास विचार करने का समय ही नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि आप अपना ध्यान किसी एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लग जाएगा, यानी आपका मन पहले से अधिक एकाग्र हो जाएगा। और जब आप एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी इच्छा को दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपकी इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। तो जब आप किसी भी विचार को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें काम करती है। पहला आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है और यह आज्ञा को पूरा करता है। दूसरा, सांस को अंदर रोकना। इससे आपके अंदर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, आप फालतू के विचार नहीं करते, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। तीसरा, आप अपने अवचेतन मन को खोलते हैं, आपकी जो भी इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है जिससे वह इच्छा पूरी होने के द्वार खुलने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो ये थी पूरी ध्यान विधि। इसे आप 11 दिनों तक करें, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यह आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। अब कमेंट में अपनी इच्छा बोलिए और टाइम डाल दीजिए जिसे यूनिवर्स आपकी इच्छा अपनी ओर खींच पाए।